हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम जीएस पेपर 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम 8 मार्कर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पार्ट 1 में 4 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपने HAS के पेपर को अप्रोच करना है तो किस वे से अप्रोच करना है, हमारी मेंस की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। सो आज के सेशन में हम 8 मार्कर क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि हमने 4 मार्कर क्वेश्चंस में देखा था, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। ऐसे ही आपको 8 मार्कर क्वेश्चंस में भी बहुत ही ऐसे कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी टीडियस है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हम 8 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द इंडियन कमर्शियल बैंक्स इन द करंट सिनेरियो। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने बजट इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, करंट सिनेरियो में ये बताइए कि इंडियन कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं। सो करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इसको आप अच्छा कैसे बना सकते थे, अगेन आपके पास यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए जिससे आप इफेक्टिवली सब्सटैंशली बता पाएंगे कि इंडियन कमर्शियल बैंक्स में प्रॉब्लम क्या है, राइट। सो वील स्टार्ट विद द बैंक्स सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो आप बता सकते हैं, अगर हम बैंक्स की बात करते हैं इन इंडिया, दे आर कंसिडर्ड टू बी द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी। इनको कहा जाता है दे आर दी लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी एंड दे प्ले अ कैटलिटिक रोल इन एक्टिवेटिंग एंड सस्टेनिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो विद द पोटेंशियल ऑफ टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट बैंकिंग इंडस्ट्री बाई 2025 अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इज एक्सपैंडिंग रैपिडली। सो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि विद द पोटेंशियल टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट बैंकिंग सिस्टम इन बाई 2025। सो यहाँ पर आपने डेटा दे दिया जिससे कि यहाँ से दर्शाया जाएगा कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है, राइट। सो द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इज करंटली वर्थ मोर देन $1 trillion एंड बैंक्स आर नाउ एक्सपैंडिंग फास्ट as the present central government wants to spread the tentacles of banking industry far and wide. देखिए, जब भी हम financial inclusion की बात करते हैं तो financial inclusion में सबसे पहला नाम क्या आता है, that is Jam Trinity, है ना। जनधन योजना के तहत हर nook and corner तक banking facilities को पहुँचाया गया है, financial inclusion करी गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो कितने वर्थ की है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1 trillion एंड दैट इज़ अ ह्यूज ह्यूज नंबर। तभी बैंकिंग सेक्टर को क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मकसद क्या है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाए, हर नूक एंड कॉर्नर तक बैंकिंग सेक्टर को एक्सपैंड कर पाए। तो यहाँ से आपको दर्शाया जाएगा, इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाएगा कि जो इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, राइट। उसके बाद आपने चैलेंजेस लिखने हैं, राइट। सो चैलेंजेस में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पॉइंट आएगा NPAs का, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अराउंड 37% ऑफ द टोटल डेट इन इंडिया इज एट रिस्क। सो NPAs भी आप देखते हैं, कैटेगराइजेशन होती है, उस कैटेगराइजेशन में अगर हम बात करते हैं तो जितना भी टोटल डेट है इंडिया का, 37% इज एट रिस्क एंड दैट इज़ अ ह्यूज ह्यूज नंबर। सो दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट इशू है रिड्यूस्ड प्रॉफिट्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दे अकाउंट फॉर 72% ऑफ द टोटल बैंकिंग सेक्टर एसेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, इट हैज़ ओनली 42% शेयर इन ओवरऑल प्रॉफिट्स। सो अगर हम बैंकिंग सेक्टर एसेट्स की बात करते हैं, मेजर चंक कौन होल्ड करता है, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो टोटल प्रॉफिट है उसका शेयर कितना लेता है, ओनली 42%, मतलब 50%, आधा शेयर भी इनके पास नहीं है। लेकिन एसेट्स की अगर बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 70% एसेट्स इनके पास हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो लॉस में जा रहे हैं, उनके पास प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। सो दैट इज़ द सेकेंड चैलेंज। जब प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो वो अपने बैंकिंग सेक्टर को एक्सपैंड कैसे कर पाएंगे। कोई भी एंटरप्राइज चलाने के लिए जब प्रॉफिट्स होंगे तभी वो एंटरप्राइज एक्सपैंड होगी, नहीं तो वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगी।
डन. सो दैट इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट आता है इशू ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन. अब मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, जब भी पॉलिसी रेट्स चेंज किए जाते हैं वो एक आम इंसान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो सबसे बड़ा इशू वो है. फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो करप्शन आपको देखने को मिलती है. देखिए जो बहुत हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स को बिना एसेट दिखाए वहाँ पर उनको काफ़ी बड़े बड़े लोन दे दिए जाते हैं. वो क्यों? क्योंकि करप्शन है. ऐसे ही क्राइसिस इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वहाँ पर स्किल सेट ही नहीं है, उतना स्किल सेट नहीं है जिससे कि वो प्रॉपरली अपने बैंकिंग सेक्टर को मैनेज कर पाए. सो दीज आर सम ऑफ द इशूज दैट द करंट इंडियन कमर्शियल बैंक्स आर फेसिंग, राइट. सो अगेन बहुत ही सिंपल सा है. NPS के बारे में आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पढ़ते हैं, ऐसे ही हम रिड्यूस प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे करप्शन के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. सो आप यहाँ पर उन चीज़ों को कोट कर सकते थे कि ये इशूज़ हमारे इंडियन कमर्शियल बैंक्स में एग्जिस्ट करते हैं, राइट. सो इश्यूज़ की बात कर ली तो अगेन स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं. देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इट्स इकोनॉमिक सर्वे, अगर हम 2015-16 की बात करते हैं तो इन्होंने 4 R's की बात करी थी, रिकग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रेजोल्यूशन एंड रिफॉर्म, जो कि हम NPS की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं इन 4 R's से. दैट इज रिकग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रेजोल्यूशन एंड रिफॉर्म. ऐसे ही यूनियन गवर्नमेंट ने अनवेल किया था अपना प्लान जिसमें वो 70,000 crore रुपीस को इन्वेस्ट करेगी, इन्फ्यूज़ करेगी इन दी नेक्स्ट ईयर्स. ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था अंडर विच 7 key strategies वर प्रपोज टू रिफॉर्म दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि हम रिड्यूस्ड प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं इन दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिफॉर्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या चलाया था, दैट इज़ मिशन इंद्रधनुष, जिसमें 7 key strategies प्रपोज करी गई थी जिससे कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो NPAs हैं, रिड्यूस्ड प्रॉफिट्स हैं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, राइट. अब क्योंकि 8 marker क्वेश्चन है, इश्यूज के बाद आपको स्टेप्स इन्वॉल्व तो लिखने ही पड़ेंगे. अनटिल एंड अनलेस स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं लिखेंगे तब तक आपका आंसर जो है इनकम्प्लीट रहेगा, राइट. सो हमने स्टेप्स बता दिए हैं गवर्नमेंट क्या क्या ले रही, उसके बाद कंक्लूजन आएगा. अब अगर हमारी कंट्री को वी हैव टू अचीव द गोल फॉर फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इट इज़ द हाई टाइम एंड द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग इंडस्ट्री अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रीलुक इन टू द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर. सो इसमें रिफॉर्म्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पर रिव्यूअल पॉलिसी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. सो कंक्लूजन में आप वही लिख सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है तो यहाँ पर जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो नेसेसिटी है, राइट. सो दिस वॉज दी क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर अगेन बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगेन आपको इनमें 4 steps में इसको लिखना था. सबसे पहले आपको बताना था कि जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया में वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर हमने डेटा एंड फैक्ट्स कोट करके उसकी सब्सटैंशियलिटी प्रोवाइड करी है. नेक्स्ट क्वेश्चन था इश्यूज़ एंड चैलेंजेस लिखने थे, वो हमने इश्यूज़ एंड चैलेंजेस लिख दिए. उसके बाद उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है एंड अ होलिस्टिक कंक्लूजन, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिजिनसली डिजाइंड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स इन इंडिया. अब देखिए आपसे PHWRs के बारे में पूछा गया है. अगर आपने इंडिया का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में बात करी हो तो यहाँ पर हम हमेशा ही PHWR के बारे में बात करते हैं. तो आप लिख सकते हैं, सबसे पहले डेटा को कोट कर सकते हैं, इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज. अगर हम 2021-2022 की बात करते हैं, इट हैड रिजन टू 47,112 million units. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्सटैंशियल इंक्रीज आपको देखने को मिला है इन द न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी. सो अगेन प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बात करी गई है, जैसे कि आपसे विंड एनर्जी के बारे में बात करी गई है, यहाँ पर उसी प्रकार आपसे क्या पूछा गया है, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी का प्रेजेंट स्टेटस के बारे में पूछा गया है. सो अगेन देखिए, जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसी पे क्वेश्चन पूछे गए, राइट. हैं वो स्टैटिक क्वेश्चंस, लेकिन उसको आपसे प्रेजेंट सिनेरियो में पूछा गया है. तो जब प्रेजेंट सिनेरियो में पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है, उसको आपने सब्सटैंशिएट करना है विद द करंट डेटा. सो इसलिए यहाँ पर हमने डेटा को इंक्लूड किया है, राइट. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इंडिया के 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की, तो अगेन ये डायग्राम अगर आप छोटा सा बना देते तो इट वुड बी मोर दैन सफिशेंट. सो आप देख सकते हैं, अगर हम stage 1 की बात करते हैं तो हैवी वाटर रिएक्टर्स फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम प्रोड्यूस प्लूटोनियम.
यहाँ पर जो नेचुरल यूरेनियम से हम इसको डालते हैं और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, प्लूटोनियम. यहाँ पर यूज क्या करते हैं, दैट इज हैवी वाटर रिएक्टर्स, राइट. ऐसे ही अगर हम स्टेज टू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिक्स ऑफ प्लूटोनियम और नेचुरल यूरेनियम किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विथ सफिशेंट स्टॉक्स ऑफ थोरियम इज इंट्रोड्यूस्ड टू कन्वर्ट इट इंटू यूरेनियम-233, जिसको हम फिसाइल मटीरियल कहते हैं. ऐसे ही हमारा स्टेज थ्री है. स्टेज थ्री में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हुई दिखती है और यहाँ पर मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम फ्यूल्स द रिएक्टर्स. थोरियम ट्रांसम्यूट्स टू यूरेनियम-233 विच पावर्स द रिएक्टर. सो पावर कौन करता है, यूरेनियम-233, और इस पावर की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हुई दिखती है. सो दिस इज अ थ्री स्टेप प्रोसीजर जो कि हमारे इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करता है. डन. अगेन, अगर आपके पास वहां पर स्पेस थी तो अगर आप ये तीन स्टेप्स भी लिखते थे, इट इज मोर देन सफिशेंट. डन. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं स्टेटस की इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी की, तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी इज दी फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडिया. नाउ दिस इज अ ह्यूज नंबर. अगर हम फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया. अब इंडिया के पास हैज़ ओवर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन सेवर पावर प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री, विच प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 6,780 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर. इन एडिशन वन रिएक्टर, आपको एक रिएक्टर देखने को मिलता है जिसको हम कैप थ्री कहते हैं. काकरापार अटोमिक पावर प्रोजेक्ट हैज ऑल्सो बीन कनेक्टेड टू द ग्रिड इन जनवरी 2021. उसको भी ग्रिड के साथ अटैच कर दिया गया है, दैट इज काकरापार. 18 रिएक्टर्स जो हैं वो हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, और चार जो रिएक्टर्स हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं 22, चार रिएक्टर्स जो हैं वो लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं. जो कैप थ्री की बात करते हैं, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट एंड द बिगेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वेरियंट ऑफ दैट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. ये एक्चुअली न्यूज़ में था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट. सो कैप थ्री के बारे में लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप इसको नहीं कोट करेंगे तो अगेन आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा. जब भी एक्सप्लिसिट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेटस क्या है, जब स्टेटस पूछा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यू हैव टू राइट द डेटा, राइट. अगर आप डेटा नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर विल बी इनकम्प्लीट. सो स्टेटस के बारे में बता दिया. ओके. सो इंडियाज इंडिजिनस मूव की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट, जिसको भावनी कहा गया है, जहां पर हम यूरेनियम-233 यूज़ कर रहे हैं, ये सेटअप किया जाएगा कल्पक्कम में इन तमिलनाडु. दिस प्लांट विल बी एंटायरली इंडिजिनस एंड विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल थोरियम प्लांट को कहा गया है कामिनी, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन कल्पक्कम. सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट थोरियम बेस्ड, और वो भी वर्ल्ड का पहला थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको हम कहते हैं भावनी, जो कि यूटिलाइज क्या करेगा, यूरेनियम-233, जो कि सेटअप कहाँ करा जाएगा, कल्पक्कम इन तमिलनाडु. सो ये इंडिया का इंडिजिनस मूव है, राइट. एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं, क्योंकि आपसे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के बारे में पूछा गया है, अगेन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप तभी लिखिएगा जब आपके पास वहाँ पर स्पेस अवेलेबल है. अगर आपको स्पेस अवेलेबल नहीं है तो एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं है. जनरली ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, 20 मार्कर में वैसे पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि ये 8 मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्किप कर सकते हैं. लेकिन हमारा यहाँ पर क्या मकसद है कि हम आपके क्वेश्चंस को होलिस्टिकली केटर कर पाएं, जिससे कि कभी और फर्दर फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकें, राइट. सो एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं, द यूज ऑफ हैवी वाटर एज द मॉडरेटर इज द की टू PHW, दैट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर सिस्टम, इनेबलिंग द यूज ऑफ नेचुरल यूरेनियम एज द फ्यूल. सो यहाँ पर हम नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हैं, एनरिच नहीं, नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में क्या है, इट इज मोर एफिशिएंट देन एनरिच्ड यूरेनियम, राइट. नेक्स्ट आता है, अ PHWR कैन बी
can use natural uranium and other fuels and does so more efficiently than light water reactors. अब देखिए हमारी कंट्री में 18 जो reactors हैं वो किस functioning पे work करते हैं, that is PHWR. लेकिन जो ऐसे चार हैं जो किस पे work करते हैं, light water reactor. लेकिन अगर हम यहाँ पर comparison करते हैं तो efficient कौन सा ज़्यादा है, that is pressurized heavy water reactor. इसीलिए आपको ज़्यादातर जो हमारे reactors देखने को मिलेंगे वो कौन से हैं, PHWR. सो दिस इज़ दी एडवांटेज. अगर हम यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं सो आप लिख सकते हैं जो हैवी वाटर इट जनरली कॉस्ट $100 पर किलोग्राम. सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं, जो हैवी वाटर है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है. तो दिस इज वन ड्रॉबैक. सेकेंड की अगर बात करते हैं, रिड्यूस्ड एनर्जी कंटेंट ऑफ नेचुरल यूरेनियम एज कंपेयर टू एनरिच्ड यूरेनियम. अगर हम एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको एनर्जी कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम नेचुरल यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं तो उसका एनर्जी कंटेंट कम होता है. सेकेंड ड्रॉबैक. थर्ड की बात करते हैं, द इंक्रीज रेट ऑफ फ्यूल मूवमेंट थ्रू द रिएक्टर ऑल्सो रिजल्ट्स इन हायर वॉल्यूम्स ऑफ स्पेंट फ्यूल दैन इन LWRs. अगर हम लाइट वाटर रिएक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्यूल कम यूटिलाइज होता है एज कम्पेयर टू प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स. तो दो तीन आप एडवांटेजेस बता सकते हैं, दो तीन आप डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं कि क्यों इंडिया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज़ करता है रादर दैन लाइट वाटर रिएक्टर्स, राइट. सो दीज आर दी एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स. सो अगेन आप यहाँ पर कंक्लूजन में लिख सकते हैं, विद द एंट्री ऑफ इंडिया इन हर सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन विच फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स विल नॉट ओनली इनेबल द ग्रोथ ऑफ इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी बट ऑल्सो जनरेट मोर फिसाइल मटीरियल. प्लूटोनियम फिसाइल मटीरियल कौन से होते हैं जो एक्चुअली में फ्यूल की तरह यूटिलाइज किए जा सकते हैं. सो प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 ये दोनों ही फिसाइल मटीरियल्स हैं जो कि हमारे सेकेंड स्टेज में प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स कहते हैं. जब तक हमारे पास फिसाइल मटीरियल होगा उतना ही हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233 यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, दे आर दी फिसाइल मटीरियल्स, राइट. सो यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232 जो हमारे वो क्या हैं, दे आर दी फर्टाइल आइसोटोप्स, राइट. एन एनहांस्ड स्कोप एंड एन एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोग्राम विल मेक अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन दी सिक्योरिंग दी एनर्जी सेल्फ रिलायंस इन दी कंट्री. सो हमारा मेजर मकसद क्या है कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज छोड़ के हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ट्रांसफर करें. तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड मूव्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम इंडिजिनसली भी बहुत सी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं और हम ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं उनको यूटिलाइज करके न्यूक्लियर एनर्जी केपेबल इंडिया को बना रहे हैं, राइट. सो दिस इज़ दी कंक्लूजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज़ डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. अब ये जो टॉपिक है ये अगेन एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में मैंशनड है, वहीं से टॉपिक लिया गया है और आपसे अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में पूछा है. अब अगर आपसे अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में पूछा है तो आपको सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस बतानी पड़ेगी कि क्यों आज हम अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं और कैसे हम अर्बन प्लानिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं बाय यूजिंग द रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्नोलॉजी. तो इंट्रोडक्शन आपने वहीं से करनी है. हम अर्बन प्लानिंग से पहले स्टार्ट करेंगे कि क्यों हमें आज की रिक्वायरमेंट हमारी अर्बन प्लानिंग क्यों है, राइट. सो आपने यहाँ पर लिखना है, सिटीज अकोमोडेट नियरली 31% ऑफ द इंडियाज करंट पॉपुलेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट 63% ऑफ द GDP. दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि अगर हम GDP कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं अर्बन एरियाज की तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 63% ऑफ द GDP. अर्बन एरियाज आर एक्सपेक्टेड टू हाउस 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 75% ऑफ इंडियाज GDP बाई 2030. नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो अर्बन एरियाज हैं उसमें 40% जो भी टोटल पॉपुलेशन है वो रहेगी और वो कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में कितना करेगी, 75%. सो दीज आर दी मूवर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जब तक आप अर्बन मैनेजमेंट अर्बन प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक ये जो मूवर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ये रुक जाएंगे, राइट. सो यहाँ से आपने बता दिया कि आपकी अर्बन मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, राइट. अ सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड ऑन GIS प्रोवाइड्स एन IT फ्रेमवर्क फॉर मेंटेनिंग एंड डिप्लॉइंग डेटा
एंड एप्लीकेशंस थ्रू आउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी जो GIS सिस्टम है, ये जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो क्या कर सकता है इस अर्बन प्लानिंग में, सिटी डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल में बहुत ही क्रूशियल रोल निभा सकता है, राइट। सो यहाँ पर आपने GIS की जो इंट्रोडक्शन है वो भी कर दी, और अर्बन प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है डेटा के साथ आपने इसको भी कोट कर दिया, राइट। सो दिस बिकम्स योर इंट्रोडक्शन। सो आप देख सकते हैं, अगर हम GIS प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये कैसे अर्बन प्लानिंग में हेल्प कर सकता है, यहाँ पर आप एक डायग्राम कोट कर सकते थे। सो आप देख सकते हैं, स्मार्ट प्लानिंग करनी है, स्मार्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम GIS प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही स्मार्ट एंड टू एंड सॉल्यूशंस देने हैं, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच रखनी है, स्मार्ट मैनेजमेंट करनी है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उसकी ट्रैकिंग ट्रेसिंग सब कुछ करना किसके लिए पॉसिबल है, GIS प्लेटफॉर्म के लिए पॉसिबल है, जिससे हम इफेक्टिव अर्बन मैनेजमेंट कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्पेशियल प्लानिंग होगी, सैटेलाइट के थ्रू हम उस ग्राउंड को प्रॉपरली हम इफेक्टिवली देख सकते हैं, और उसके बाद मैनेजमेंट पॉलिसीज बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, दैट इज स्पेशियल प्लानिंग। उसके बाद यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हम डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे, डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे, उसके बाद उस डेटा को जब एनालिसिस कर लिया जाएगा, उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन करी जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करी जाएगी, जिससे कि हम एक इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्म्युलेट कर सकते हैं। तो ये सब शुरुआत कहां से होगी, जब हम यहां पर स्पेशल प्लानिंग करेंगे, राइट। जब हम GIS यूटिलाइज करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जिससे कि हम उस एरिया को सबसे पहले जानेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे, राइट। सो यहां पर अगेन आप डायग्राम फ्लो चार्ट से इसको काफी अच्छा बना सकते हैं। Done. So this is the GIS platform. Okay. So common applications की अगर बात करते हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं remote sensing और GIS use करके। सबसे पहले review and analysis कर सकते हैं, regulatory compliance देख सकते हैं, environmental impact दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको manually जाके दे नहीं देखना पड़ेगा, satellites के through आप आराम से इसको analysis कर सकते हैं। तो बहुत सारे steps हैं, लिख सकते हैं preservation of historic sites, कैसे हम हिस्टोरिक साइट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैपिंग और डिलीवरी ऑफ यूटिलिटीज़, मतलब एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी हम GIS का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे कि अर्बन प्लानिंग हम प्रॉपरली कर पाएं, राइट। सो यहाँ पर आपको कॉमन एप्लीकेशन दे रखी है। ऐसे ही अगर हम कंक्लूड करेंगे, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था जहाँ पर आपको बताना था कि कैसे हम इफेक्टिवली GIS और रिमोट सेंसिंग से अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो जो डायग्राम्स बनाए गए हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए गए हैं, वहीं से एक्चुअली मुझे क्लैरिटी हो जाती है कि हम GIS की एप्लीकेशंस कैसे करेंगे। सो यू कैन कंक्लूड, आवर प्रपोज्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन इज एन इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग, GIS दैट इज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड GPS को यूटिलाइज करके, इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशली इन अ मोर सप्लीमेंट्री फैशन टू सम ऑफ द इंटरैक्टिव ऑपरेशंस दैट शुड बिकम एन एसेट फॉर असेसिंग, understanding, mapping utility and service facility using the GPS and solving the complex urban environmental problems. So, हमारी country में जो environmental problems urban areas में exist करती हैं, वो हम cater कर सकते हैं by utilizing GIS and remote sensing effectively. Right? So, this was the question about remote sensing and GIS. Right? Next question में move करते हैं. नेक्स्ट आता है, दैट इज डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है सीधा NCERT से लिया गया क्वेश्चन है, अगर आपने NCERT ज्योग्राफी की रीड करी है 10th क्लास की, तो भी आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो आपने यहाँ पर बताना है कि इंडिया की जो वाटर क्राइसिस, देखो हम यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्यों बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो लिखना पड़ेगा। देखिए अगर सिंपली आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से स्टार्ट कर देते, अगेन आपका आंसर यूनिक नहीं बनता। सीधा आप अगर डेफिनेशन लिखते रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, अगेन यहाँ पर आपका आंसर इफेक्टिव नहीं बनता। सबसे पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। आप फ्यूचर ब्यूरोक्रैट बनने जा रहे हैं,
जब आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो आपको अपने एटलीस्ट कंट्री की प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। आज हमसे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों पूछी जा रही है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कंट्री है उसमें वाटर क्राइसिस चल रहा है। तो सबसे पहले आपको डेटा से सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कि क्यों हमारे इंडिया में वाटर क्राइसिस हो रहा है और क्यों हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, राइट। सो आपको वही लिखना है, इंडियाज वाटर क्राइसिस इज अ कॉन्स्टेंट। Although India has 16% of the world's population, the country possesses only 4% of the world's fresh water resources. अगर हम population देखते हैं तो बहुत बड़ी है, अगर हम world population की बात करते हैं तो India की contribution कितनी है, approximately 16%, लेकिन अगर हम fresh water resources की बात करते हैं तो India में कितना exist करता है, so 4%। तो obvious ही बात है, इस water balance की वजह से ही आपको water crisis देखना पड़ रहा है। अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी 2018 में, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि 600 मिलियन पीपल और नियरली हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल फेस एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। अब इस एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस की वजह से ही हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ झुकना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में ये बता दिया कि क्योंकि इंडिया में वाटर क्राइसिस है इसीलिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपसे देखिए क्वेश्चन सीधा है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। तो आप अगेन डिवाइड कर सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, साउदर्न एरियाज में, ईस्टर्न एरियाज में। सो अगेन जो जो आपको याद है उसको आप लिख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में आपको कुल्स देखने को मिलते हैं, अर्घाटा इन कश्मीर, जोहाद्स इन राजस्थान एंड हरियाणा, खादिन्स, झालर्स, ऐसी तालाब्स, ऐसी बावड़ीज और टंकाज आपको देखने को मिलते हैं इन दी नॉर्दर्न इंडिया। ऐसी अगर हम बात करते हैं साउदर्न इंडिया की तो कोविल कोलम जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में देखने को मिलता है, सुरंग्स आपको देखने को मिलती हैं वेस्टर्न घाट्स में, ईरी जो है तमिलनाडु में, पनम केनी आपको देखने को मिलती हैं एंड केरला। अब देखिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारे ही एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। सो अगर आपने वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स अगर आपने पढ़ी हैं तो आप सिंपली इसको कोट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लिसिट क्वेश्चन वही है कि बताइए डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। तो नॉर्दर्न, साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के बारे में लिख सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में भी दिया हुआ है, जो बैम्बू ड्रिप सिस्टम है मेघालय का बहुत ही फेमस है, वो जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, सॉरी वाटर हार्वेस्टिंग रीजन सिस्टम है, उसके बारे में लिख सकते हैं। ऐसी जबो देखने को मिलती है एंड नागालैंड, राइट। सो अगेन एक एक पॉइंट लिख सकते थे, अगेन एग्जाम्पल्स आप चार चार या तीन तीन दे सकते हैं, उसको ब्रीफली डिफाइन कर दीजिए कि ये रेन वाटर टेक्निक्स आपको इंडिया में देखने को मिलती है, डन। सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोट डाल सकते हैं, क्योंकि वाटर एज अ रिसोर्स बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल, तो आप लिख सकते हैं वाटर होल्ड्स द की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी नीड इट फॉर हेल्थ, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सो दिस वॉज गिवन, दिस कोट वॉज गिवन बाय बैन की मून जो कि सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो अगेन ये वाला जो कोट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से आपको वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो देखने को मिलती है। द की टू सक्सेसफुल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विल बी टू इन्वॉल्व द डायरेक्ट बेनिफिशरीज एंड स्टेक होल्डर्स। अब देखिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं ये बहुत एंशियंट टेक्निक्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जितने भी बेनिफिशरीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ लेके चल सकते हैं और ये जो वाटर क्राइसिस है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, डिस्क्राइब दी कॉन्सेप्ट, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। देखिए जब हमने, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इस पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमने प्रायर डिस्कस किए थे। जब हमने जीएस पेपर 3 को डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तो वहाँ पर हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया था हर टॉपिक से, तो वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हमने डिस्कस किया था, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बताना है, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस बताने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया के। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन कर दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस दैट uses biological fertilizers and pest control acquired from animal or plants waste. So organic farming का मतलब क्या है कि जो भी inputs हैं वो inputs
कैसे हैं, ऑर्गेनिक हैं, चाहे फिर वो फर्टिलाइजर्स की बात हो, चाहे फिर वो पेस्टिसाइड्स की बात हो, राइट। इन अदर वर्ड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ न्यू सिस्टम ऑफ फार्मिंग और एग्रीकल्चर दैट रिपेयर्स, मेंटेन्स एंड इम्प्रूव्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब देखिए, जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली में क्या करेगा, ऑर्गेनिक चीज़ों से ही फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बनाएगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है वो इम्बैलेंस ना हो, राइट। सो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, उसके बाद आप बता सकते हैं, अगेन आप अगर फ्लो चार्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले मीनिंग लिख दीजिए, उसके बाद नीड लिख दीजिए, क्यों नीड है, क्यों, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। अब इन केमिकल्स की वजह से आपको सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है आपके इकोलॉजिकल सिस्टम में। ऐसे ही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जो केमिकल्स हैं इसको हमें कम करना पड़ेगा, राइट। सो नीड लिख सकते हैं। अगेन क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट है, जहाँ पर आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछी हैं, तो सबसे पहले एडवांटेजेस में लिख सकते हैं इकोनॉमिकल है, क्यों, क्योंकि केमिकल्स जो बनाए जाते हैं वो ऑब्वियसली बात है आपकी कॉस्टिंग हाई हो जाएगी। यहाँ पर हम क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट को ही यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए इकोलॉजिकल है, नंबर इकोनॉमिकल है, सॉरी। नेक्स्ट आता है दैट इज़ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो अगर हम चीपर प्रोडक्ट्स यूटिलाइज करेंगे और इम्पोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाएगी और यहाँ पर आपको जो इन्वेस्ट आपने किया होगा उस पर रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट आता है हाई डिमांड है, ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये जो डिमांड है इसको कैटर भी कर सकते हैं और फार्मर्स को जो इससे पैसा मिलेगा वो भी अच्छा पैसा मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी मेंटेन रहेगी। अब देखिए, हम जब भी एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एनवायरनमेंट में बायो एक्युमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, वो क्यों है, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं, अभी जो केमिकल्स हैं ये हमारी बॉडी में एक्युमुलेट ना हो, इसीलिए वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आर सेल्फ इंटू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ ही न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्यों, क्योंकि ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं क्रिएट करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, राइट। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं इनकम्पीटेंट है, ऑब्वियसली बात है, देखिए प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हम अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उससे प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती हुई दिखती है, तो इसका मतलब क्या है, जो फार्मर्स हैं वो इनकम्पीटेंट बन जाते हैं इन दी मार्केट, लेस प्रोडक्शन, ये मैं बात कर चुकी हूँ, प्रोडक्शन ही लेस है, क्यों, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम ये यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो उससे लेस प्रोडक्शन। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं श्रीलंका का जो हाल हुआ, ठीक है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि आपको सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी है, बैन कर दिया ट्रेडिशनल फार्मिंग पे, तो उसकी वजह से ही आपको देखने को मिलेगा एकदम से उनकी मार्केट जो है वो क्रैश डाउन कर गई, वो क्यों, क्योंकि लेस प्रोडक्शन हो गई, राइट। ऐसे ही शॉर्टर शेल्फ लाइफ होती है और लिमिटेड प्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ यू कैन कंक्लूड योर आंसर, बहुत ही होलिस्टिकली आप कंक्लूड कर सकते हैं। अगेन आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम कैसे कैसे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रादर दैन नलीफाइंग दी केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिवन ओवरव्यू ऑफ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एनवायरनमेंट की कोई भी बेसिक किताब पढ़ी होगी आपने तो ये स्कीम ज़रूर पढ़ी होगी। तो आप लिख सकते हैं हॉर्टिकल्चर क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डीलिंग विद गार्डन क्रॉप्स, जनरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सो ये जो MH मारीगौड़ा है उनको कहा जाता है इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर जो मिशन दैट इज़ MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पर हम होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करते हैं, जिसमें आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स, ट्यूबर क्रॉप्स या फिर मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और जो ये MIDH है इसको इम्प्लीमेंट किसके अंडर किया जाता है, दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन कृष्णोत्ती योजना।
फंडिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 60% फंडिंग किसके द्वारा देखने को मिलती है, सेंटर के द्वारा। 40% कौन कंट्रीब्यूट करता है, स्टेट फंडिंग। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर हिमालयन स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कंट्रीब्यूट करती है 90%, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 10%। सो फंडिंग पैटर्न बता दी, स्कीम नोडल मिशन बता दिया क्या करना ये चाहती है, और यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री बता दी। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, राइट। सो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लानिंग मटीरियल, जिसमें हमने वाटर रिसोर्सेज की क्रिएशन करनी है। वो वाटर रिसोर्सेज क्रिएशन कैसे करनी है, वाटर शेड मैनेजमेंट से, राइट। ऐसे ही रेजुवनेशन ऑफ अनप्रोडक्टिव ओल्ड एंड सिनाइल ऑर्चर्ड्स, सो जो भी ऑर्चर्ड्स हमारे पहले पड़े हैं उनको हमें रिफॉर्म करना है, रिवाइव करना है। ऐसे ही प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, दैट इज पॉली हाउसेज, ग्रीन हाउस, शेड नेट्स वगैरह प्रोवाइड करके, जिससे कि हम हॉर्टिकल्चर के सेक्टर को एक बूस्ट प्रोवाइड कर पाएँ। देखिए, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये मार्केट में बहुत महंगी बिकती हैं। अब फार्मर्स को अगर डबल इनकम अपनी करनी है तो इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर को भी इन्हांस करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का मकसद यही है इस मिशन से कि हम यहाँ की प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाएँ, राइट। ऐसे ही नर्सरीज, टिश्यू कल्चर लैब्स इस्टेब्लिश करी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से जो हमारी हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसको एक बूस्ट मिल पाए, राइट। क्रिएशन ऑफ मार्केट लिंक्ड कोल्ड चेन्स। अब देखिए, अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, तो यहाँ पर हमें कोल्ड स्टोरेजेस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो ग्रूम हो पाए, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एरियाज एक्सपेंशन, जहाँ पर हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑर्चर्ड्स, गार्डन्स फॉर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कर पाए। सो ये सारा मिशन ऑफ फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, जहाँ पर हम इरीगेशन से लेकर उनकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। सो अगेन आप यहाँ पर पॉइंटर्स में इसको लिख सकते थे और एल्स फ्लो चार्ट बना के लिख सकते थे, डन। सो दिस इज MIDH, वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं। देखिए, जो इंडिया है यहाँ पर जो आपके पास इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, विच इज़ इम्पेरेटिव टू केटर टू कंट्रीज एस्टिमेटेड डिमांड ऑफ 650 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाई द ईयर 2050। तो आप देख सकते हैं हमारी मार्केट में ही कितनी डिमांड है। अब इस डिमांड को केटर करने के लिए हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना ही पड़ेगा, इसीलिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, राइट। ऐसे ही सम ऑफ द न्यू इनिशिएटिव्स लाइक फोकस ऑन प्लांटिंग मटीरियल प्रोडक्शन, क्लस्टर डेवलपमेंट, ऐसे ही एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, जहाँ पर हम FPOs को, दैट इज़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करेंगे कि आप ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाएं, राइट। सो दिस कैन बी दी वे फॉरवर्ड, जहाँ से हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर को एक प्रोमिनेंट सेक्टर बनाना चाहते हैं, डन। सो अगेन सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको करंट अफेयर्स से ज़रूर कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेरियस एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। अगेन अ वेरी सिंपल एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लाइमेट चेंज को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने एंथ्रोपोजेनिक रीजंस बता देने हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से ही हमने क्लाइमेट चेंज को एग्रवेट कर दिया है, राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल फिनोमेना है, बट इस नेचुरल फिनोमेना से जब हम छेड़खानी कर रहे हैं तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसमें आपको एग्रवेशन देखने को मिल रही, राइट। सो अगेन यू हैव टू डिफाइन क्लाइमेट चेंज फर्स्ट एंड देन यू हैव टू राइट द एंथ्रोपोजेनिक रीजंस फॉर दैट, राइट। सो क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म चेंज इन द वेदर पैटर्न्स ऑफ अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर हम WHO को कोट करते हैं, क्लाइमेट चेंज मे बी द प्राइम रीजन फॉर द डेथ ऑफ अराउंड 250,000 पीपल एवरी ईयर ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब देखिए, यहाँ पर आप WHO को कोट कर सकते हैं कि ये एक प्राइम रीजन बन सकता है फॉर द डेथ्स। 2.5 लाख लोग हर साल मरेंगे किसकी वजह से, पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से।
अब ये पल्यूशन क्या है, ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से ही है, और अगर हमारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स पे हम रोक नहीं लगाएंगे तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये काफ़ी ज़्यादा एग्रवेट होता हुआ दिखेगा, राइट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगेन देखिए, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज नेचुरल कौन कौन से हैं, सनस्पॉट, सोलर साइकिल, ओशन करंट्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल रीजंस हैं जो कि एक्सप्लिसिटली आपसे नहीं पूछा गया था। आपसे पूछा गया है एंथ्रोपोजेनिक रीजंस जिसको आपने एक्चुअली में एक्सप्लेन करना है। तो नंबर वन पॉइंट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से ही हम वाटर पोल्यूशन भी कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन भी कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हमारी बॉडी में जा रहे हैं, और यहाँ पर बायोक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन हो रही है जिसकी वजह से आपको डेथ्स देखने को मिलेंगी, नंबर वन, राइट। नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा, आप यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस से डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपको क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन व्हीकल्स। अब व्हीकल्स हम कर रहे हैं और कन्वेंशनल सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, उन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। जैसे ही आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा, राइट। सो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस में क्या आ गया, इंक्रीज इन व्हीकल्स। नेक्स्ट आता है एमिशन ऑफ जीएचजीज। अब हमारी जो लाइफस्टाइल है, जैसे जैसे लग्जूरियस लाइफस्टाइल होती रहती है उतना उतना हमारे वर्ल्ड पे कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होता रहता है, हर इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज करता रहता है, जिसकी वजह से आपको जीएचजी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन देखने को मिलती है। अगेन इट विल टर्न इनटू व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग, एंड इवेंचुअली लीड टू व्हाट, क्लाइमेट चेंज, राइट। सो ऐसी इंडस्ट्रीज में आपको अगेन पोल्यूशन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिख रहा है। एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी फॉसिल फ्यूल बर्न करोगे तो वहाँ पर आपको एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो एग्रवेट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर हमने कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज बता दी हैं, फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंथ्रोपोजेनिक एंड फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लिए। यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, हर रीज़न को वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेस यू हैव डन। सो दीज आर दी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, राइट। सो दिस वॉज इट, जहाँ पर हमने 8 मार्कर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड थे, लेकिन उन क्वेश्चंस को हमने यूनिक कैसे बनाया है, जहां पर हम करंट अफेयर्स को कोट कर रहे हैं, राइट। सो कोटिंग द करंट अफेयर्स विल मेक योर आंसर्स मोर इफेक्टिव एंड यूनिक। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20 मार्कर क्वेश्चंस। थैंक यू।